असम के पश्चिम कार्बियांगोंग जिले में फायरिंग में चार लोगों की मौत के बाद तनाव का माहौल है। मेघालय सीमा के पास फायरिंग के बाद दोनों राज्यों की ओर से किसी तरह की कोई हिंसा ना हो इसके लिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। असम पुलिस मेघालय की ओर जाने वाले सभी लोगों को सतर्क कर रही है, तो मेघालय में भी सरकार ने अफवाह ना फैले इसके लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया है। इधर जोराबाट में पुलिस मेघालय जाने वाले असम के लोगों को आगाह कर रही है। मेघालय जाने वाले दूसरे राज्यों के पर्यटकों को इस वारदात के बाद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग आए बनारस, दो दिन टूर के बाद हम लोग यहाँ पर बुक पैकेज बना दिए और हम लोग को अभी शिलोंग जाना था। शिलोंग से चेरापूंजी से फिर अपना डाउकी कुछ है, वहाँ से होके फिर वापस आना। अब बताइए, हम लोग का पूरा फैमिली है, गाड़ी खड़ी हो गई, जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं उनका कि असम के ड्राइवर को नहीं जाने देंगे। तो आपको इस तरह के कहा गया कि असम के ड्राइवर को नहीं जाने? हाँ, गाड़ी जा सकती है लेकिन असम के ड्राइवर जाएगा नहीं। ऐसा है कि हम कहाँ से, हमारे पास तो असम का ही ड्राइवर है, गाड़ी भी असम का है, लेकिन प्रॉब्लम उनका तो प्रॉब्लम वो सुना दिए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम कौन सुनेगा सर? आप सोचिए, बनारस से इतना दूर आने के बाद क्या करे। इधर असम के अधिकांश लोग मेघालय ना जाकर वापस लौट रहे हैं। असम मेघालय बॉर्डर क्या कन्फ्लिक्ट हुई से बोले किंतु तपत मेघालय एम एल गाड़ी उठी दिल नम्बर प्लेटर किंतु इतना जोराबाट पुलिस जब दिया ना तक डिस्टार्ब हम पे स्पेशियल आम आसामीजक जब दिया असलते मैं आगते एने किसान कन्फ्लिक्ट है तो तक अकान बिहेवियल बेहद कर देखा जाए आसामीज मानुक तो गति के भले आम तो बटते भाई खाना पर जोराबाट आँते भल्के कथ गम पा आम रही दिल है तो पे देखा पलो पुलिस लगे मैं तो ये भले तक गई पे विपद पड़े इतना भल। बता दें, आज तड़के लगभग 3 बजे जेरेकिंडिंग के मोइक्रंग नामक अंदरूनी इलाके में पुलिस को लकड़ी तस्करी की खबर मिली, जिसके बाद टीम ने पीछा करते हुए लकड़ी भरती ट्रक के टायर को पंक्चर कर 3 तस्करों को पकड़ लिया। तीनों तस्करों को जेरेकिंडिंग लाया गया। पश्चिम कार्बी आंगलोंग के पुलिस अधीक्षक इमदाद अली के निर्देश पर पुलिस की टीम ट्रक को लेने गई। इस दौरान मेघालय की ओर से आए सैकड़ों लोगों की उग्र भीड़ ने असम पुलिस और वन विभाग की टीम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने भी बचाव में फायरिंग की। दोनों तरफ से हुए हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें विद्या सिंह लेंगते नामक वन सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। फिलहाल मौके पर पश्चिम कार्बी आंगलोंग के पुलिस अधीक्षक समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी बने हुए हैं। इलाके में तनाव का माहौल है और इस घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई है। जो घटना तो घटी से আমি মানে অলপ পিছিয়ে গৈছোঁ, তাতে আমি গৈ কিনে দেখা পাইছোঁ যে অলরেডি তাতে মানুহ আছে, আমাৰ ফরেস্টৰ মানুহ আছে, পুলিশৰ মানুহ আছে। ইহঁতে থাকাৰ পিছতে মানে আমাক এক্সট্ৰাকে নিয়া হৈছে। আমি তাতে ডিউটি মাৰি আছোঁ, তাৰপিছত তাতে কিবা কনফাৰ্মাইজ কিবা কিবি কৰি আছে। ইহঁতে ডিমাণ্ড কৰি আছে যে গাড়ীখন নিব নোৱাৰিব। তাৰপৰা দেখিছোঁ সিহঁতৰ সেইফালৰ পৰা খাচীয়াও পুলিচো আহিছে, তাৰপিছত কোনোবা ডাঙৰ মানুহ মানে মিনিষ্টাৰ লেভেলৰ কোনোবা হ'ব আহিছে, সিহঁতেও কিবা কিবা আলোচনা কৰিছে, কাৰো কথা মনা নাই। ধাকা ধাকি লাগি গৈছে, মোৰ মূৰতো ডাৱৰে কোব এটা দিছে। কোব এটা দিয়াৰ পিছতে মই অলপ বেহুচ টাইপৰ হৈ গৈছোঁ, মাথাত হাত ধৰি এনেকৈ ধৰি দিছোঁ। তাৰপিছতে অলপ ফায়াৰিং চলিছে, ফায়াৰিঙত বোলে কোনোবা ইঞ্জিয়ৰ হৈছে, কি কি হৈছে মই ভালদৰে গম নাপাওঁ। মোক খালি একজনে দৰ্জা খুলি দিছে, কৈছে উৰ যেনে তেনে, মই উঠি কিনে ওলাই আহি গ'লোঁ। এতিয়া বৰ্তমান খবৰ পোৱাৰ লগে মই একজন ইঞ্জিয়ৰ হৈছোঁ আৰু একজন বোলে ডেথ হৈ গৈছে। মোৰ নাম অভিমন্যু দাস। মই মকৰুত ডিউটিতে আছিলোঁ।